कौन से शब्द से क्या बोध लेना, कौन से शब्द से क्या संदेश लेना, कौन से शब्द से क्या समझ लेनी, कौन से शब्द से क्या ज्ञान लेना, एक एक शब्दों को हम समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कल हमने कौन से शब्द की बात करी थी, कौन सा शब्द, क्यू, और क्यू के बाद में आने वाला शब्द है आर। आर हमें सिखाता है लाइफ रॉयल होनी चाहिए, बराबर समझना। आर क्या संदेश लेकर के आता है, आर यह संदेश लेकर के आता है कि जीवन रॉयल होना चाहिए, लाइफ रॉयल होनी चाहिए। दो तरह के लोग ये संसार में, एक लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ रिच बनाने के लिए वो भाग रहे हैं, और एक लोग ऐसे हैं जो लाइफ को रॉयल बनाने के लिए भाग रहे हैं। दो तरह के लोग ये संसार में है, बराबर समझ लेना। चाहे आप हो, चाहे हम है, चाहे कोई भी है, संसार में जितने भी लोग हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ रिच लाइफ बने, एक यह सोचने वाले हैं कि मेरी लाइफ रॉयल लाइफ, जहां मात्र और मात्र खुद का विचार हो वो रिच लाइफ है, और जहां दूसरों का भी विचार हो वो रॉयल लाइफ है। जहां मात्र और मात्र सुबह से शाम तक खुद का ही विचार चलता रहे, मेरे पास कपड़े अच्छे हो, मेरे पास जूते अच्छे हो, मेरे पास मोबाइल अच्छा हो, मेरा घर अच्छा हो, मेरे घर में फर्नीचर अच्छा हो, मेरी नामना अच्छी हो, समाज में मेरी प्रतिष्ठा अच्छी हो, जहां सुबह से शाम तक मात्र और मात्र केंद्र में मैं रहा है, वो कहीं ना कहीं रिच लाइफ है, और जहां सामने वाला केंद्र में है, सेंटर में है, वो कहीं ना कहीं रॉयल। आप साधु पुरुषों के जीवन को देखिए, उनके सेंटर में सामने वाला होता है, खुद नहीं होता। या तो अपने गुरु सेंटर में होते हैं, या तो प्रभु सेंटर में होते हैं, या तो दूसरे जीव जिसका कल्याण करना चाहते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, खुद के ऊपर कभी वो फोकस नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार में भी कई लोग ऐसे हैं जो परमार्थ के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, जिसके केंद्र स्थान में मैं नहीं, लेकिन जिसके केंद्र स्थान में सामने वाला। मुझे दुख मिल जाए कोई बात नहीं, सामने वाला दुखी ना हो। मुझे परेशानी आ जाए कोई बात नहीं, सामने वाले को परेशानी ना आ जाए। मुझे पीड़ा हो जाए कोई बात नहीं, सामने वाले को पीड़ा ना हो जाए, ये भी सोचने वाले संसार में है। क्योंकि हमारे यहां तो लिखा गया कि पदे पदे निधानानी योजने रसकुंपिका भाग्यहीनान पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। मैं तो आज भी कहता हूं, समझ लेना, संसार में ये मत सोचना कि बुरे लोग ज्यादा है, अच्छे लोग कम है। मैं तो कहता हूं कि बुरे लोग कम है और अच्छे लोग ज्यादा है। आप देखिएगा अपने जीवन के ऊपर, आप कहीं ना कहीं जीवन के ऊपर दृष्टिपात करिए, आपको अनुभव होगा कि संसार में 10 लोग ऐसे होंगे जिसकी बुराई का आपको अनुभव हुआ होगा, लेकिन संसार में 100 लोग ऐसे होंगे जिसकी अच्छाई को आपने कहीं कहीं अनुभव किया होगा। ये भ्रमणा मन से निकाल देना कि संसार में बुरे लोग ज्यादा है, संसार में अच्छे लोग ज्यादा है। और हमारे यहां तो लिखा गया कि भाग्यहीनान पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। ये पृथ्वी बहुरत्नों से भरी हुई है, या एक एक महापुरुष ऐसे है, एक एक सज्जन ऐसे है, एक एक दानवीर ऐसे है, एक एक सेवाभावी लोग ऐसे है, एक एक परमार्थी लोग ऐसे है। हम आंखें बंद करें और हम देखें, कहीं ना कहीं आसपास में नजर दौड़ाए, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाए, दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाने का मन हो जाए, उनकी सेवा के प्रति दो हाथ जोड़कर मस्तक झुकाने का मन हो जाए, उनके कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति उपकार की भावना के लिए। बहुरत्ना वसुंधरा, कभी ये नहीं सोचना कि बुरे लोग ज्यादा है, अच्छे लोग कम है। मैं कहता हूं ये संसार में हमारा अनुभव है कि बुरे लोग कम है और अच्छे लोग ज्यादा है। हम हमारे जीवन की बात करें, इतने सालों के जीवन में 2-5-10 लोग ऐसे मिले होंगे जिनकी बुराई का हमको अनुभव हुआ होगा, लेकिन हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग ऐसे मिले जिनकी अच्छाई को हमने देखा। और आपके जीवन की भी यही हालात है, आपको बुराई बहुत इफेक्ट करती है, आप उनसे बुराई एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसलिए शायद बुराई आपके दिमाग में घर कर जाती है, लेकिन आप संघ में, समाज में, शासन में, देश में, आपके आसपास में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी देखोगे तो आपको एक दीर्घ दृष्टि से देखोगे, एक सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो आपको प्रतीत होगा कि बुरे लोग बहुत कम है, अच्छे लोग बहुत ज्यादा। हम अच्छे हैं, और मैं तो कई बार कहता हूं, हम यदि अच्छे हैं तो हमारा संपर्क अच्छे लोगों से होगा, और हम यदि बुरे हैं तो हमारा संपर्क बुरे लोगों से होगा, बराबर समझना।
आप अच्छे हो तो आपके सर्कल में, आपके सराउंडिंग, आपके आसपास में, आपके निकट के, आपके मित्रों में, आपके कहीं नहीं सगे संबंधियों में, आपके सर्कल में अच्छे लोग ही आएंगे, बुरे नहीं आएंगे। और आपके मन में बुराइयां भरी हुई है तो आपके आसपास में बुरे लोग ही आएंगे। लेकिन ऑल ओवर तो मैं मानता हूं कि नहीं, ये संसार में अच्छे लोग ज्यादा भरे हुए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समझ लेना, रिच लाइफ या रॉयल लाइफ, दो तरह के लोग ये संसार में बसते हैं। एक जो रीच बनने के लिए भाग रहे हैं, जिसके केंद्र स्थान में मैं है, जिसके केंद्र स्थान में माई सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं रीच लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जिसके केंद्र स्थान में सामने वाला है, जिसके केंद्र स्थान में दूसरा है, दूसरों का जो पहले सोचता है, वो रॉयल लाइफ में आगे बढ़ पाता है। और मैं तो आगे बढ़ के यहां तक कहता हूं कि रीच इंसान को संसार याद करे न करे, लेकिन रॉयल इंसान को संसार जरूर याद करता है। आपको पता है, यह अहमदाबाद में पिछले 100 साल में कितने उद्योगपति हुए, कितने करोड़पति हुए, कितने अबजपति हुए, कितने खरबपति हुए, कितने सुखी संपन्न हुए, उसकी लिस्ट आप निकालना चाहो ना तो भी आपको मिल नहीं पाएगी। उनके बेटों को पता होगा, लेकिन पूरे संसार को नहीं पता होगा। अहमदाबाद की बात कर रहा हूं, यहां अहमदाबाद में पिछले 100 साल में कितने उद्योगपति हुए आपको नहीं पता होगा, लेकिन यह अहमदाबाद में पिछले 100 साल में कितने दानवीर हुए आपको पता होगा। आपने नाम सुना होगा, कहीं स्कूलों के ऊपर नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कहीं अस्पतालों के ऊपर नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कॉलेजों के ऊपर नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कहीं अन्य क्षेत्रों के ऊपर नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कहीं सेवाभावी संस्थानों के आगे नाम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कोई जिनाले के अंदर आपको तख्ती लगी हुई मिल जाएगी, कोई उपाश्रयों के भीतर या बाहर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप यह अहमदाबाद की बात करें, पूरे भारत की बात करें, पिछले 100 साल में कितने उद्योगपति आए गए चले गए कोई कौन गिनती रखता है, किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले 100 साल में दानवीर कौन हुए ये आपको पता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बराबर समझना, रिच लोगों को दुनिया याद नहीं रखती, रॉयल लोगों को दुनिया याद रखती है। और जब आर की बात करनी है तो मुझे यही बताना है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, रिच नहीं रॉयल, रॉयल जीवन। और रॉयल जीवन लाना हो तो 3 R को बराबर समझना पड़ेगा। अभी तक हमने ये सोचा, अभी तक जितने शब्दों की बात करी वर्णमाला के भीतर, जितने शब्दों को हम कहीं ना कहीं देखते गए, उसमें हमने ये देखा या तो लाना है या तो छोड़ना है। लेकिन आज जो R है उसको लाना भी नहीं, उसको छोड़ना भी नहीं, उसको रिप्लेस करना है। और इसीलिए 3 R को बराबर समझना। सबसे पहले नंबर में, हमारी लाइफ रॉयल लाइफ कब बन सकती है, हमारा जीवन रॉयल जीवन कब बन सकता है, कहा के सबसे पहले नंबर में, रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स तेरी लाइफ में आ जाए तो तेरी लाइफ रॉयल लाइफ बन जाए। बराबर समझना, पूरी आर की कहानी है आज। रिएक्शन के बदले, बोलो तो, रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स। हम सामने वाले को रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए। बराबर समझ लेना, आर हमको सिखाता है कि जीवन कैसा हो, रॉयल हो। जीवन हमारा अद्भुत होना चाहिए, जीवन हमारा राजवी होना चाहिए, वो गुण हमारे भीतर होने चाहिए। इसलिए 3 चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा, कहा के बराबर समझ लेना, रिएक्शन के बदले कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करना हम सीख जाए। हमें रिएक्शन करना आता, हम रिएक्शन दे देते हैं। और कहा कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क क्या है, कहा कि एक ही फर्क है, जो बिना सोचे दिया जाए वो रिएक्शन है, और जो सोच कर दिया जाए वो रिस्पॉन्स है। जहां कोई सोचने वाली बात ही नहीं, और संसार में 99% क्रियाएं आप ऐसी करते हो जो सोचकर नहीं करते, बस एक आवेग में आकर के, एक आवेश में आकर के आप कर लेते। सोच लेना, मेरी आदत क्या है, रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्ड करने की। जो सोच कर किया जाए उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है, और जो बिना सोचे किया जाए उसको रिएक्ट कहा जाता है। हम रिएक्ट करते हैं,
सामने वाले की बात पूरी हुई कि नहीं हुई, हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। सामने वाले की बात अभी हम समझे वो कौन से आशय से कहना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है, कुछ भी हम जानते नहीं, कुछ भी समझते नहीं, मात्र और मात्र रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझना 3 R को रिप्लेस करना पड़ेगा यदि आपकी लाइफ रॉयल लाइफ बनानी है। कहा सबसे पहले नंबर में रिएक्ट नहीं लेकिन रिस्पॉन्स। सोचकर करो ना, हमारे जीवन की कई सारी क्रियाएं ऐसी है जो हम बिना सोचे करते हैं, आवेग में आकर के करते हैं, आवेश में आकर के करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बराबर समझना, किसी ने चाटा मारा हम रिएक्ट करेंगे, किसी ने कुछ कह दिया हम रिएक्ट करेंगे, किसी की बात हमारे कान पे पड़ी हम रिएक्ट करेंगे, किसी का हमने सुन लिया हम रिएक्ट करेंगे। रिस्पॉन्ड करना हम सीखे ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा मन हमेशा संकल्प विकल्पों में रहता है, हमारा मन हमेशा विचारों में रहता है, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, हमारा मन हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रखकर आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 3 R को रिप्लेस कर लो यदि आपकी लाइफ को रॉयल लाइफ बनानी है। नंबर 1, रिएक्शन के स्थान पर रिस्पॉन्स। आप चाहे जो एक्शन लेना चाहो मैं मना नहीं करता, आपका मन हो जाए कि सामने वाले को चांटा भी मारना है लेकिन सोच करके, बिना सोचे नहीं, आपका मन हो जाए कि सामने वाले को सुना भी देना है तब भी सोच करके, बिना सोचे नहीं, आपका मन हो जाए कि सामने वाले को कुछ कह देना है, आज कुछ बाकी नहीं रखना है, बराबर उसको सुना देना है, लेकिन वो भी सोच करके, बिना सोचे नहीं। बिना सोचे जब भी आप क्रिया करोगे उसमें आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो, और सोच करके आप क्रिया करोगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। नंबर 1, रिएक्शन नहीं लेकिन रिस्पॉन्स। दूसरा आर जो रिप्लेस करना है, दूसरा आर जो बदलना है, कहा के दूसरा आर क्या है, कहते हैं कि दूसरा आर ये सिखाता है रिव्यू नहीं रिसर्च। दो शब्द है, एक है रिव्यू और एक है रिसर्च। हम जो दूसरों के लिए देते हैं वो रिव्यू कहा जाता है, और हमारे खुद के लिए करते हैं उसको रिसर्च कहा जाता है। हमारी रिव्यू देने की बड़ी आदत है, हम हमेशा जीवन में आप देखोगे आप सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रतीत होगा कि हम ज्यादातर रिव्यू में इंटरेस्टेड है, रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है, खुद के जीवन में क्या चल रहा है उसमें हमारा रिसर्च कम है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम परेशान होते जा रहे हैं। कहा कि दूसरे आर को रिप्लेस करना है, रिव्यू के बदले रिसर्च करना शुरू करो। कितना दूसरों में हम लीन है, कितना दूसरे में हम डूबे हुए हैं, कितना दूसरों से हमने अपने आप को भर के रखा हुआ है, विचार भी दूसरों के, बात भी दूसरों की, जहां देखे वहां दूसरा ही नजर आता है। हमारे खुद के लिए हमने कभी रिसर्च नहीं किया कि जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, कहां पहुंचना क्या करना चाहिए, मैं कैसा हूं, ये रिसर्च हमने कभी नहीं किया। लेकिन सामने वाला कैसा है उसका रिव्यू हम हर हमेशा देते रहे, और इतना सुनने के बावजूद भी, इतना गुरु भगवंतों के मुख से श्रवण करने के बावजूद भी, इतना स्तवन सज्जायों के माध्यम से आपके कान में शब्द पड़ते हैं उसके बावजूद भी, इतना आपको समझाया जाता है उसके बावजूद भी, आपकी रिव्यू देने की आदतें नहीं जाती, रिसर्च में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद में आप कुछ नहीं खोजते, खुद में आप कुछ नहीं ढूंढते, आप मात्र मात्र दूसरों के प्रति ध्यान रखते हो, दूसरों के प्रति आपका ध्यान खींचा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने आप को सोचिए। मैं तो कई बार कहता हूं, जीवन में चाहे संघ की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, आपके आस पड़ोस की बात हो, आपके परिवार की बात हो, दूसरों को कहने से पहले अपने आप के ऊपर रिसर्च करें कि मैं कैसा हूं। और एक चीज समझना, सामने वाला कैसा है ये समझने में शायद 1 दिन लगे, शायद 2 दिन लगे, शायद 1 महीना लगे, शायद 1 साल लगे, उससे ज्यादा समय नहीं लग सकता। लेकिन मैं कैसा हूं यह समझने के लिए हमारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। बराबर समझ लेना,
सामने वाला कैसा है ये समझने में शायद एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए, चार दिन लग जाए, दस दिन लग जाए, महीना निकल जाए, एक साल निकल जाए। एक साल में आप आदमी को पहचान लेते हो, ये कैसा है, इसके भीतर क्या अच्छाइयां है, इसके भीतर क्या बुराइयां है, इसका क्या प्लस पॉइंट है, इसका क्या माइनस पॉइंट है, इसके भीतर क्या गुण है, इसके भीतर क्या अवगुण है, आप सब कुछ जान लेते हो। एक साल के भीतर सामने वाले को हम जान लेते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए ये जीवन भी पूरा कम पड़ जाता है। पूरा जीवन निकल जाए लेकिन हम नहीं जान पाते कि मेरे भीतर अच्छाई क्या है, मेरे भीतर बुराई क्या है, मेरे भीतर प्लस पॉइंट क्या है, मेरे भीतर माइनस पॉइंट क्या है, मेरे भीतर गुण क्या है, मेरे भीतर अवगुण क्या है, हम नहीं जान पाते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामने वाले को जान लेना बड़ा सरल है, खुद को पहचान लेना बड़ा कठिन है। ये संसार में कठिन क्या, खुद को जान ले। बाकी जानकारी तो गूगल के ऊपर से भी आपको मिल जाती है, लेकिन खुद की जानकारी हमें खुद ढूंढनी पड़ती है, खुद सर्च करना पड़ता है, खुद रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर समझना, सर्च करने से दुनिया की जानकारी मिल सकती है और रिसर्च करने से खुद की जानकारी मिल सकती है। आज दुनिया सर्च करने में बड़ी उत्सुक है, क्योंकि सर्च करने से सामने वाले की जानकारी मिलती है, वो कैसा है, इसके भीतर क्या है, इसके भीतर अच्छाइयां है, बुराइयां है। अब एक सेकंड में आप सर्च करके निकाल सकते हो कि सामने वाला कैसा है, लेकिन खुद को यदि देखना है, खुद की जानकारी चाहिए, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। और सर्च करने के लिए शायद एक मिनट चाहिए, और रिसर्च करने के लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। बराबर समझ लेना, हमें सर्च में इंटरेस्ट कम है, रिसर्च में इंटरेस्ट हमको ज्यादा है, ऐसा हमारा जीवन बनाना है। हमारी अभी की हालत ऐसे है कि हमको सर्च में इंटरेस्ट ज्यादा है, रिसर्च में इंटरेस्ट कम है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझना, जिस दिन रिसर्च में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया ना, उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। रिव्यू नहीं, रिसर्च। और रिव्यू करना बहुत सरल है, एक दिन में हम आदमी के ऊपर मार्क्स रख देते हैं, ये इतने में है, इसमें अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन खुद को संभालना, खुद को देखना, खुद को जानना और खुद का रिसर्च करना सबसे कठिन काम यह संसार में है, बराबर समझ लेना। और तीसरा आर, तीन आर को रिप्लेस करना है, रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स, रिव्यू के बदले रिसर्च, और तीसरा आर ये सिखाता है कि रेस के बदले रेस्ट। एक शब्द है रेस और एक शब्द है रेस्ट। एक शब्द ये सिखाता है कि भागो, एक शब्द ये सिखाता है कि खड़े रह जाओ। कहा कि जीवन रेस के लिए नहीं है, जीवन रेस्ट के लिए है, शांति के लिए जीवन है, भागने के लिए जीवन नहीं है, परेशान होने के लिए जीवन नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझना, यदि आपकी लाइफ को रॉयल लाइफ बनानी है तो कहीं ना कहीं तीन आर को निश्चित तौर पर रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में रिएक्शन के बदले, साथ में मिलकर रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स, रिव्यू के बदले रिसर्च और रेस के बदले रेस्ट। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।